प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के बारे में सच्चाई के बारे में बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे आंगनबाड़ी भर्ती के संदर्भ में जो मामला कोर्ट में गया था उसमें क्या कुछ हो रहा है, और डीएलएड 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी थी उनके रिजल्ट की घोषणा कब तक होगी। साथ ही ऐसे प्रशिक्षु जो बैक की वजह से यूपी टेट या फिर सीटेट में सम्मिलित होंगे क्या उनका टेट मान्य होगा, ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मीडिया के माध्यम से जब भी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी से नए प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती पर चर्चा की जाती है तो उनके द्वारा एक ही बात बार बार दोहराई जाती है कि छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होता है। भले ही अनुपात समानुपात का पाठ कुछ भी पढ़ाया जाता रहा हो प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन सच्चाई यही है कि कोरोना के फर्स्ट और सेकेंड वेव के बाद से बहुत से अभिभावकों की जॉब चली गई है और बहुत से अभिभावकों ने अपने बच्चों के नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा करके परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लिखवा दिया, जिससे छात्रों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला है। ये हाल सिर्फ परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का नहीं बल्कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का भी है। अभी जो एडेड हाईस्कूल में सहायक अध्यापकों के पद के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उससे आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जो होते हैं वो एडेड स्कूल से अलग होते हैं। एडेड स्कूल उनको बोला जाता है जो अर्ध सरकारी होते हैं, जिसका मतलब मैनेजमेंट तो प्राइवेट होती है लेकिन शिक्षकों का रिक्रूटमेंट सरकार करती है। तो एडेड वाली जो भर्ती है वो अलग है और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अलग होते हैं जो कि बिल्कुल सरकारी होते हैं। तो उसमें भी शिक्षकों की भारी कमी है और वहाँ पर जूनियर में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक सभा को संबोधित करते हुए उनके द्वारा ये कहा गया कि पिछले 4.5 सालों में प्रदेश सरकार ने 4.25 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। पिछली सरकारों में हुए भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने जोर देते हुए कुछ तीखी प्रतिक्रिया की है, जिसे आप स्क्रीन पर आर्टिकल के रूप में देख पा रहे होंगे। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस दावे का अन्य विपक्षी पार्टियों ने पूरी तरीके से विरोध दर्ज कराया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा बोला गया है कि पिछले 4.5 साल निराशा भरे और डरावने रहे हैं प्रदेश सरकार के। वहीं प्रियंका गांधी जी के द्वारा बोला गया कि झूठ झूठ और सिर्फ झूठ ही बोला जा रहा है, और माननीय मायावती जी के द्वारा ये कहा गया कि यूपी सरकार के दावे सभी हवा हवाई हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जो कुछ भी दे लेकिन कम से कम 1 लाख से ज़्यादा पद अभी भी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्धीय प्राथमिक विद्यालयों में खाली हैं, क्योंकि 51,112 पद के संदर्भ में सरकार ने ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा था 22,068,500 से रिक्त बचे पद हैं। कितने टीचर्स रिटायर हुए होंगे इनके बीच में, इसके अलावा जो भारी संख्या में छात्रों का एडमिशन हो रहा है उससे भी छात्र शिक्षक अनुपात में भारी गिरावट देखने को मिली है। तो प्रदेश सरकार के द्वारा कमेटी भले ही बनाई गई है लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगर सरकार चाहती तो सीधे तौर पर 70,000 पदों पर सीधे भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती थी। हालांकि चलिए ठीक है, अगर कमेटी का रिपोर्ट कुछ और ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती के सिफारिश करती है तो ये छात्रों के हित में ही होगा और बड़े शिक्षक भर्ती का उम्मीद प्रदेश के सभी बेरोजगार युवा कर रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का एक क्लर्क जो कि शिक्षकों के पहले भर्तियों में वेरिफिकेशन के नाम पर धांधली करता था उसको गिरफ्तार किया गया, और अब 100 से ज़्यादा ऐसे चयनित शिक्षक जो कि गलत प्रमाण पत्र के आधार पर चयनित हुए थे वो भी एसटीएफ के रडार पर हैं और उनकी भी छानबीन की जा रही है और जल्दी ही उनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती में ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ ना दिए जाने के बाद से ये मामला माननीय कोर्ट गया था, जहाँ से माननीय कोर्ट ने 21 सितम्बर को प्रदेश सरकार के वकील को अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में यूपी टेट की परीक्षा और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस बात पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा कि कोरोना की थर्ड वेव का क्या कुछ हो रहा है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, डेल्टा 4 वेरिएंट से बड़ा तीसरी लहर का खतरा। वैज्ञानिकों के द्वारा ये लगातार आशंका जताई जा रही है कि डेल्टा प्लस का जो वेरिएंट है उसमें 25 से ज़्यादा म्यूटेशन हो चुके हैं और टीका लगने के बाद भी संक्रमण का खतरा है, जिसके बाद से वैज्ञानिकों के द्वारा दावा ये किया जा रहा है कि यही डेल्टा 4 वेरिएंट जो है वो तीसरी लहर के लिए उत्तरदायी हो सकता है। प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय में 1,000 की बढ़ोतरी करने के बाद से शिक्षक संघ ने इसका पूरी तरीके से विरोध किया है और इसको नाइंसाफी बताया शिक्षा मित्रों के लिए। स्क्रीन पर आप इसके संदर्भ में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। बात करें डीएलएड 2019 बैच में ऐसे प्रशिक्षु जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी थी उनके रिजल्ट के बारे में, तो पीएनपी सचिव के द्वारा ये अवगत कराया गया है कि जब चारों सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न हो जाएगी उसके बाद ही सभी सेमेस्टर की कॉपियां एक साथ मूव होंगी मूल्यांकन के लिए और उसके रिजल्ट की घोषणा करने में भी अभी काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है। सेकंड सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी थी उन प्रशिक्षु के मन में ये भी डाउट था कि क्या उनका यूपी टेट और सीटेट मान्य होगा। देखिए, आप लोग के मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
सेकेंड सेमेस्टर में जिनकी भी बैक लगी है, मैं सिर्फ सब्जेक्ट बैक की बात कर रहा हूँ, जिनका अधिकतम एक या फिर दो सब्जेक्ट में बैक लगा होगा, उनका यूपी टेट और सी टेट पूरी तरीके से मान्य होगा जो अभी भविष्य में होने जा रहा है। लेकिन जिनका सेमेस्टर बैक हुआ होगा सेकेंड सेमेस्टर में, 19 बैच की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, उनका यूपी टेट और सी टेट मान्य नहीं होगा, क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर के पूरी तरीके से पास नहीं माने जाएंगे जब तक आप अपना सेमेस्टर बैक क्लियर नहीं कर लेंगे। लेकिन जिनका सब्जेक्ट बैक था वो एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार अगले सेमेस्टर का प्रशिक्षण ले चुके हैं और साथ ही साथ उनका चतुर्थ सेमेस्टर का भी प्रशिक्षण हो चुका है, सब कुछ समाप्त हो चुका है, तो आप सभी निश्चिंत रहें। जिनका भी सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट बैक था उन सबका यूपी टेट और सी टेट पूरी तरीके से मान्य है। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।